पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते आगे, हाथरस के कथित गैंगरेप केस में यूपी सरकार ने पीड़िता के परिवार को 3 लेयर सुरक्षा दी है, लेकिन अब इसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवार परेशान हो गया है और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई है। हाथरस के बोलगढ़ी गांव में पीड़ित परिवार अब 3 लेयर सुरक्षा से परेशान है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिवार की सुरक्षा काफी मुस्तैद कर दी है। घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही पीड़ित परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा में दो दो पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही घर के बाहर पीसी का पहरा भी है। इतनी सुरक्षा परेशानी का सबब बनने पर पीड़ित परिवार राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में मृत युवती के परिजनों की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि परिवार के लोगों को प्रशासन ने कैद करके रखा है, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है, कोर्ट के आदेश पर ही याचियों को सुरक्षा दी गई है, ऐसे में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। यूपी सरकार ने 3 लेयर मेटल डिटेक्टर घर के एंट्री पॉइंट पर लगाया गया है, जहां पर हर आने जाने वाले का नाम और पता दर्ज किया जा रहा है। घर के बाहर कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। व्यवस्था के तहत कहीं पर भी जाने से पहले पीड़िता के परिवार को सुरक्षा कर्मी को जानकारी देना जरूरी है। परिवार की सुरक्षा के अलावा गाँव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गयी है। हाथरस कांड को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति की पीठ ने याचिका 19 अक्टूबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में घटना की सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांगी गई है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि याचिका में उठाए गए अधिकतर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, वहां प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत में चल रही है और इसीलिए याचिका खारिज की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी नहीं माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।